नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? प्रदीप है जी। कहाँ से हैं आप? कैथल के पास गाँव है चंदाना। आप यहाँ आश्रम पे आए, गुरुजी से मिले, आपको किसने बताया है यहाँ के बारे में, किसके थ्रू आए आप? यहाँ जी मेरे गांव से आते हैं, मेरे दादाजी हैं वो आते हैं, हमसे पहले आते हैं, 7-8 साल पहले आते हैं। हाँ तो उन्होंने आपको यहाँ के बारे में बताया? हाँ जी बताया। क्या बताया उन्होंने आपको? भाई मतलब जो भी जाता है उसकी हर समस्या का सोल्यूशन वहाँ हो जाता है तकरीबन। तो आप क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ उम्मीदें लेके यहाँ गुरुजी के पास आए? बड़ी समस्या थी जी, मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आया, तकरीबन मुझे बहुत आराम मिला जी, जी तो मैं लगातार 5-6 महीने से आ ही रहा हूँ। तो क्या कुछ बताना चाहोगे आप दर्शकों को कि क्या आप समस्याएं क्या थी आपके साथ? मेरे साथ तो जी ज़्यादा तो नहीं, ये दर्द की समस्या थी जी, शारीरिक मतलब समस्याएं थी आपके हाँ साथ? पेन की, जी तो काफ़ी आराम है, 60% आराम है 60% आराम हो गया। कितना समय हो गया आपको यहाँ? जी, कम से कम पाँच पाँच महीने महीने हो गए जी। तो किस प्रकार से आपको लगता है कि आपका आराम हुआ है? आप क्या समझते हैं कि गुरुजी ने मतलब ठीक किया है या कुछ? गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ जी, और मेरे में तो कोई हिम्मत नहीं थी जी, अच्छा जी, मतलब ऐसे लेकर आए हैं जी, मैंने जी तो पकड़ पकड़ के, हाँ जी। अब हम अपने पाँव पर चल का हूँ जी मैं, ठीक है। तो क्या आप इस समस्या को लेके आप कभी डॉक्टर के पास या कभी और जगह नहीं डॉक्टरों, गए? बड़े डॉक्टरों के पास फिर हूँ जी मैं, ऐसी कौन सी शहर नहीं जहाँ मैं नहीं गया हुआ। अच्छा जी, हाँ रोहतक PGI में, चंडीगढ़ PGI में, हाँ जी, मतलब हर जगह हॉस्पिटल में मैं गया हूँ जी, आपने सारा ट्रीटमेंट लिया पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ जी। यहाँ पे आपके 60% समस्या का जो समाधान हुआ है, आपको क्या लगता है किस प्रकार हुआ होगा? मतलब गुरु जी के उससे हुआ है जी, केवल उनके योग बल से, और उन्होंने जो हाँ आशीर्वाद जो आप पे जो किए, आशीर्वाद दिया है, जो गुरु मंत्र दिया उसी से हुआ है। उन्होंने कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा कोई नुस्खा नहीं बताया नहीं भैया आप नहीं ऐसे यार, कर लो? कोई ऐसी दवाई नहीं बताई, कोई ऐसा नुस्खा नहीं बताया कि वहाँ जाना है, वहाँ पूजा पाठ करनी है, वो चराई में वो रखना है, वो किसी प्रकार का कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं बताया जी। तो क्या आपका काम ऐसे ही कर दिया या आपसे कुछ लिया जा रहा है? नहीं जी कुछ नहीं लिया जा रहा है, ऐसे ही मतलब उनके आदेश पे चलने से ऐसे ही हो जाता है। तो आप डॉक्टरों के यहाँ इतनी फीस दे के आते हैं, आप पंडितों के यहाँ भी जाते जाते होंगे, हैं तो वो जी तो फीस लेते हैं। लेते हैं जी, सभी लेते हैं, पंडित कितने छोटा हो कितने बड़ा हो अपनी फीस तो लेता ही है। यहाँ आपसे कुछ भी नहीं मांगा गया, प्रसाद है, नहीं चढ़ावा है, कुछ और डोनेशन दे दो, मेरे पर नहीं जी, 10 रुपये भी मांगे जी, आपसे कुछ भी नहीं मांगा कुछ गया? भी नहीं मांगा गया, बदले मेरी को दे जा रहा है, प्रसाद खिलावा जी, मतलब लंगर खिलावा है, चाय पियावा है। अच्छा, हाँ तो आपको यहाँ पे खिलाया भी जा रहा है, प्रसाद भी हाँ दिया जा रहा है, सुविधाएं भी हाँ दी जा रही है, पर सुविधा आपसे लिया भी, कुछ भी नहीं जा रहा? मतलब गर्मी लगा पंखा चला लो, सर्दी लगा कंबल ओढ़ लो, जी। ये तो मैं लेके भी नहीं आता, कोई भी नहीं लेके आता, मतलब यहीं से मिलता है सब। तो इसके अलावा आपने क्या यहाँ से सीखा, क्या जाना गुरुजी के बारे में? मतलब बहुत अच्छा सीखा, मतलब भाई किसी की निंदा चुगली ना करें जी हम, मतलब एक दूसरे के वैर विरोध से बच के जी रहें, काफ़ी सीखा, बढ़िया है। क्या ऐसी कोई गलत चीज़ जो आपको लगी यहाँ के बारे में, गुरुजी ने मुझे ऐसा बोल दिया, या लोगों ने, धाम के नहीं सेवादारों ने आपको कुछ गलत बोल दिया हो, नहीं जी आज तक तो ऐसा कुछ या नहीं, फिर आपको आपको बिना जाने समझे आपको वापस भेज दिया हो, आपको मिलने ना दिया हो, या नहीं ऐसे जी कोई? जितनी बार आए हर बार मिले हैं जी। काफ़ी जगह मैंने क्या देखा है कि गुरुजी से मिलने के लिए, बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए पैसे दिए जाते हैं, हमारा नंबर लगवा दो, हमारा गुरुजी से नंबर लगवा दो, हम पैसे ले लो, नहीं क्या इस जी प्रकार का कोई आपके साथ काम हुआ? नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब नंबर आता है, नंबर वाइज ही आता है। क्योंकि मैं काफ़ी जगह देखता हूँ कि लोग, भीड़ बहुत होती है, नंबर नहीं आता, हर एक लोग आदमियों से, लोगों से मिलने का टाइम नहीं होता, समय नहीं होता, पर वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं, हमारा नंबर लगवा दो। यहाँ भी काफ़ी भीड़ आती है, बहुत लोग आते हैं, बहुत संगत बहुत आती है, क्या जी आपके साथ ऐसा कभी हुआ? मेरे से तो बहुत बड़े बड़े आते हैं जी, हाँ बहुत जी, पैसे वाले आते हैं, हाँ तो जी। फिर उन्हीं उनका नंबर लगता हम तो रह जाते जी, तो गुरुजी आपसे एक सभी के सामने मिलते हैं, अकेले मिलते हैं, मतलब वो उनका रूम है, मतलब वहीं मिलते हैं जी फिर कमरे भी में, कोई प्रकार का कोई शुल्क वगैरह आपसे नहीं लिया जा रहा है कि कोई आप अकेले कुछ मिलेंगे या सबके सामने मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिया जा रहा है जी। और आपकी समस्या का भी फ्री में समाधान किया जा रहा हाँ है? तो क्या समाधान, आप दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भाई मेरा समस्या सुलझी है, आप भी आप आओ, या आप या ना आओ, आप क्या करो क्या ना करो, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा तो यही विचार है जी, आप यहाँ गतौली धाम में जरूर आएं, अपनी समस्या सुनाएं, उसका वो निकलेगा, समाधान होगा समाधान जी, होगा, बगैर पैसे होगा जी। बगैर पैसे होगा, कोई भी हाँ आ सकता है, मैं या कोई, किसी कोई पे भी कोई आ सकता है, पाबंदी, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है किसी जी, भी प्रकार के, कोई भी, कितने भी आए,
कितने भी आए जी, कोई कोई पाबंदी चार्ज नहीं, नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। कोई चार्ज, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जी उससे, बल्कि उसको खाना खिलाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी, सब उसकी सेवा ही की सेवा ही की जाए। जाएगी, हाँ तो आप यहाँ से बिल्कुल संतुष्ट हैं, आपकी कोई संतुष्ट शिकायत हूँ, नहीं बिल्कुल है। संतुष्ट हूँ जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।